लाहौर है पाकिस्तान क्रिकेट का कैपिटल और कुछदवार सुबह तुलु हुई है कायद आजम ट्रॉफी दो हजार, दो हजार में लोकल डर्बी लाहौर वाइट्स बनाम लाहौर ब्लूज और पहले राउंड के मैच का दूसरा दिन कल लाहौर ब्लूज को टॉस के लिए पहले कहा गया उनके दोनों ओपनर्स उमर और इमरान जल्दी आउट हो गए उस्मान और रिजवान के दरमियान बड़ी उमदा पार्टनरशिप हुई चौवन रन की उसके बाद हुसैन तलत और जुनेद अली ने निस्ट सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया दो सौ सैंतालीस रन से उन्होंने बनाए सात विकटों के नुकसान पर जहां तक लाहौर वाइट्स की बॉलिंग का ताल्लुक है अहमद बशीर और आमिर जमाल ने बड़ी उमदा बॉलिंग की उन्होंने दो दो विकटें हासिल की बिलावल इकबाल ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था और बाद हजार एक एंड को मुसलसल रोके रखा और दो विकटें मिली स्पिनर मोहम्मद इरफान ने तीन स्लिप्स और एक गली के साथ ये सुबह शुरू कर रहे हैं अहमद बशीर बड़े पुरे तरीके से खेला शफल करते हुए सामने आकर बोल्ड हो गए इस बार ऑफ द सीम गेंद अंदर की जाने कट हुई और कोई जवाब नहीं था वकास के पास बल्ले और गेंद के दरमियान एक भाटी गेट नजर आया हैरानगी की बात है कि एक फास्ट बॉलर बैटिंग के लिए आए और जुनेद ने जो है पहली बॉल पे ही स्ट्राइक जो है वो ले लिया जबकि तीन बॉल पड़े थे और नया बॉल अभी लिया आमिर जमाल ने बॉलिंग आमिर जमाल की। उनने ज्यादा वक्त नहीं किया टेल एंडर को चलता करने में और यह अच्छी गेंद थी और यह विकेट भी बिल्कुल के सामने पाए गए और यह बड़ी कामयाबी

और एक और विकेट गिर गई तो अगली इनिंग्स में ये हैट्रिक पर होंगे जब खेल शुरू होगा अहमद बशीर विकेट टू विकेट यहाँ बॉलिंग करने का उनको सिला मिला इनिंग्स का अहताम हुआ और बहुत ही शानदार तरीके के साथ आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज दोनों दोनों स्टम्प्स के अंदर और दोनों बाहर निकली और दोनों बैटर्स को कोई क्लू नहीं था कि बॉल किस तरफ जा रही है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन अंपायर मोहम्मद आसिफ के लिए अच्छी डिलीवरी उमदा लेंथ थी इन स्विंग करने की कोशिश की इस वक्त तो ऑफ साइड में छह फील्डर हैं और इसके बावजूद गैप ढूंढ लिया शानदार टाइमिंग इमरान दौड़ते हुए गए लेकिन गेंद उन्हें कहीं पीछे छोड़ गई पहला चौका लेफ्ट हैंडर अली जरियाब का और ये सरासर टाइमिंग और प्लेसमेंट बिल्कुल भी इसको जोर से मारने की कोशिश नहीं की ऑन टॉप ऑफ द बॉल और आई थिंक ओवर था थोड़ा बॉल और वकास ने कोशिश की कि बॉल स्विंग हो और थोड़ा बाहर से स्विंग करने की कोशिश की बोल्ड कर दिया एक्सीलेंट डिलीवरी अभी-अभी सलमान इसी चीज का जिक्र कर रहे थे और वही यहां पर अली शफीक ने अप्लाई किया और कामयाबी समीटी बहुत बड़ा ब्लो कोई बंदा जो है वो इनिशिएट नहीं कर रहा टुवर्ड्स द बॉल टुवर्ड्स द बॉलर कि उसकी लाइन लेंथ को खराब करे देखिए अपनी जगह पर और थोड़ा सा गेंद अंदर आया है और आई I मीन mean, जब आप एज एन ओपनर खेलते हैं नए बॉल को तो आप एक्सपेक्ट करते हैं फुलर बॉल इन स्विंगिंग बॉल लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि सीधा ही बॉल खेलना चाह रहे हैं सब एक्सीलेंट कुछ देर पहले यही जिक्र हुआ और इस दफा कवर ड्राइव चार रन बहुत ही दिलकश स्ट्रोक ड्राइव किया बॉल उनकी ड्राइविंग रेंज में था और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो पॉइंट का फील्डर है अगर वो कवर्स में होता क्योंकि आप का टारगेट ही है कि आपने फुल बॉल करना है बॉल को स्विंग करना है और इस दफा विविड़ हुए आउटसाइड दी ऑफसम विकेटकीपर इसको कलेक्ट नहीं कर पाए तो ये चार रन मिल जाएंगे चार रन मिलेंगे इस बार टांग के बाहर बॉल था और अहमद शहजाद ने बहुत अच्छा डिफ्लेक्ट किया उसे बहुत फाइन खेले अच्छा शॉट था देखें उनके देखें हेड को देखें आखिर तक बॉल को देख रहे हैं और टांग के बॉल बाहर बॉल था खुद ही वो लगेगा पुल शॉट ऑन है और ये चार रन हासिल किए अहमद शहजाद ने पीछे बॉल था और भरपूर फायदा उठाया उसे उसका शॉर्ट पिच डिलीवरी शॉर्ट ऑफ लेंथ इस बार कोई मौका जो है वो जाने नहीं दिया हाथ से पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा शॉट ऑफ स्टम के बाहर था विट मिली और उसे कट शॉट खेला अगले कदम पे आके वेट उनका आगे ही था द गुड थिंग वॉज दिस और चार रन हासिल किए आउटम डिलीवरी विथ मिली थी आबिद अली के लिए फेवरेट लेंथ है दो के फील्डर डी पॉइंट में मौजूद थे लेकिन टाइमिंग बहुत ही शानदार और इस तरह यह बाउंड्री हासिल की आबिद अली ने और ये एल बी डब्ल्यू आउट हो जाएंगे आबिद अली शफल करते हुए आगे आए और फुल लेंथ गेंद थी आबिद जो है जिस तरह की फील्ड थी उन्हें बाउंसर की तवक्को रही और ये ट्रैप में आ गए हुनैन शाह के शानदार बॉलिंग जी हाँ गुड बॉलिंग जो जो बात हम कर रहे थे विकेट टू विकेट का लेकिन ये डबल ब्लफ किया एक डीप पॉइंट और डीप, डीप, डीप स्क् का फील्डर रख के उन्होंने बॉल आगे किया आबिद अली जो थे थोड़ा सा लेट हुए शॉट पे बॉडी भी घिरी और मिस कर गए आई थिंक सत्ताईस बॉलर पे सात रन किए और शानदार शॉट अहमद शहजाद का फील्डर नहीं पहुंच सकेंगे अपनी सर तोड़ कोशिश के बावजूद अगले कदम पर आए और गेम को ड्राइव कर दिया बड़ा दिलकश ये कवर ड्राइव था का और यह खूबसूरत शॉट इस किस्म का शॉट जो जब बैट्समैन खेलते हैं तो ये कह सकते हम कि यार लाजवाब शॉट ये अच्छा शॉट खेला अपने बल्ले को ऊपर से नीचे आए इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद ज़मीन से लगी लगी जाए और बाउंड्री पर ये अच्छी फील्डिंग नहीं थी ये वही साद खान है जो पिछले साल सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे और लाहौर से खेल रहे हैं इस दफा पीछे पड़ा हुआ बॉल भरपूर फायदा उठाया उसका अच्छी चीज क्या थी शॉट के बारे नीचे खेला फुल दो का और इजाफा हो और इस तरह ये पहला सेशन यहां पर साइन ऑफ किया इस दफा उठाकर खेल दिया इसको ये ओवर फिस्ट डिलीवरी थी यकीनी तौर पर यह बाउंड्री मिल जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये चार रन हासिल किए इक्कीस ओवर मुकम्मल लाहौर वाइट्स के पचहत्तर रन दो खिलाड़ी आउट और इसके साथ ही ये विकेट हासिल कर ली अली शफीक अपने मकासद में कामयाब हुए ओवर पिछ डिलीवरी साद खान की गेंद बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में और अगेन देख लिया नो फीट मूवमेंट ना फ्रंट फुट था ना बैक फुट था अपनी जगह पे खड़े खड़े बस उन्होंने बैट को हैंग किया ठीक है बॉल अच्छी थी बट एक कह लीजिए कि एक डेफिनेट जो है कमी नज़र आ रही है बैटर्स के अंदर जो बाय एंड लार्ज इनकी फीट मूवमेंट है ना वो आगे जाते हैं पूरा ना पीछे आते हैं जहाँ खड़े हैं वहाँ से खड़े खड़े सिर्फ बैट जो है वो बॉल से मिलाने की कोशिश करते हैं कैच की कॉल लेकिन सीधा हाथों में विकेट मिल गई और आई थिंक इम्पेश्स और पुअर शॉट सिलेक्शन अहमद शजाद की इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होकर ना ये कट थी ना ये पंच था बस उन्होंने uh, हवा में इस बॉल को खेल दिया और आई थिंक इमरान भट्ट की जो फील्ड सेटिंग थी दैट प्लेड ऑन अहमद शजाज माइंड और आई थिंक uh, वो सही फ़ैसला ना कर सके और एज अ रिज़ल्ट रिवॉर्ड मिला लाहौर ब्लूज़ की टीम को और uh, एक्सीलेंट बॉलिंग एंड गुड कैप्टनसी फ्रॉम इमरान भट एक्टली खुशी देखिए कप्तान ने जो प्लान दिए उस पर हनैन ने अमल किया और प्राइज हासिल किए इस विकेट की दूसरी कामयाबी हुनैन शाह के लिए और अहमद शहजाद बिग विकेट अच्छी शॉट फुल बॉल और कॉन्फिडेंट शॉट जो है डाउन द ग्राउंड चार रन के लिए खूबसूरत शॉट लेफ्ट हैंडर का लेफ्ट हैंडर्स हमेशा एलिगेंट लगते हैं स्पेशली जब डाउन द ग्राउंड खेलते हैं पहली बॉल फेस की उन्होंने अली शफीक की और बिल्कुल स्लॉट में बॉल था अली शफीक ने पूरा चांस लिया कि शायद बॉल आगे से स्विंग हो और आ, सीधा मिडल में बैठ के और खूबसूरत बाउंड्री बाहर आकर खेले और ये बड़ा शॉट और गेंद आखिर तक गई जोरदार छक्का लगाया खुलकर वार किया साद नसीम ने एक बार अच्छा शॉट खेला बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से और नीट फुटवर्क था उम्दा टाइमिंग साद नसीम की निकल के मारी और ये गलती करके आउट हो गए फहद मुनीर इस चीज की हम बात कर रहे थे फ्लाइट से बॉल करें, इनवाइट किया जब तो वो निकले अटैम्प्ट हुए सर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन एंड अप एट मिड ऑन डेब्यूटन गॉन जफात मुनीर जो हैं उनके आउट होने की एक वजह हुनैन शाह भी थे बाउंसर्स पर जैसे उन्होंने इनको परेशान किया हुआ था ये उन्हीं सलाखों से यहाँ निकलने की कोशिश की स्पिनर्स को देखा जी थोड़ा सा ललचा गया उस जमूत को तोड़ दें लेकिन रिजवान को मात नहीं दे सके अच्छा कैच लिया उन्होंने फाद मुनीर ने अपने डेब्यू शॉट चार रन हासिल किए साध नसीम स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है हमेशा प्रोएक्टिव नजर आते हैं और जो है अपने चांसेस को फैंसी करते हैं पूरे तरीके से खेलते हैं स्पिनर्स को जी हाँ और खास बात यह है कि वी में ही शॉट खेलते हैं अच्छा पुल शॉट यहाँ चार रन मिल जाएंगे वकास ज्यादा तेज रफ्तार बॉलर नहीं है और हमजा अकबर को ये चैलेंज पोस्ट कर रहे थे पिछले ओवर में लेकिन इस बार वो तैयार थे शॉट खेलने को पूरे पुल शॉट और पूरे कंट्रोल में दिखाई दिए इसको एग्जीक्यूट करते हुए पूरा रोटेट किया इस रीप्ले में अगर हम देखें पूरा अपने टोस को रोटेट किया अपनी बॉडी की पोजीशन परफेक्ट पोजीशन थी और कंट्रोल के साथ पुल किया इस बॉल को और बहुत ही खूबसूरत शॉट बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया फ्रंट ऑफ स्क्वायर थ्रू मिड विकेट और अभी तक जितने बैटर्स ने पुल शॉट मारे हैं आज सुबह से सबसे अच्छे दो पुल शॉट जो हैं वो हमजा ने मारे हैं रिस्क को बर वक्त रोल किया पूरे वसूख के साथ खेले और इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद जो है उठ के ना जाए अच्छी प्लेसमेंट भी थी और ये मौका जान लिया गनीमत क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके सामने रन्स बनाना इतना आसान नहीं ये ओवर पिच गेंद बिल्कुल पाले में थी साद नसीम ने अच्छा कवर ड्राइव किया चौके के लिए बिल्कुल फुल बॉल और ड्राइविंग लेंथ और पूरा मनोमन कबूल किया साथ नसीम ने और अच्छा टाइम किया चार रन हासिल किए लूज बॉल और ये वो पीरियड है जिस साथ करने की कोशिश करेंगे हुसैन तलत जो है वाइट बॉल क्रिकेट में वो बॉलिंग करते हुए अक्सर नज़र आते हैं और यहां ये यह सेशन और 40 ओवर्स मुकम्मल हुए एक सौ छत्तीस पांच विकेटों के नुकसान पर स्कोर है और एक बार फिर जो फील्डिंग करने वाली टीम है उसी ने ही ये सेशन जीता है इसमें कोई शुभ नहीं स्विप किया स्पेस अवेलेबल है अच्छा कनेक्शन है और चार रन हासिल किए बाउंड्री, ये प्लस हैं और इस तरह के चाहिए इस लाहौर वाइट्स को। दफा टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी डाउन द लेग साइड और uh, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया प्रॉपर स्वीप शॉट देखने को मिला इस नौजवान हमजा की जानब से पेश लेकिन लकी रहे साद नसीम बहुत करीबी मामला हो सकता था आउटसाइड एज हुआ अगर सेकंड गली होती तो यकीनी तौर पर साद नसीम को नुकसान उठाना पड़ सकता था जी हाँ एक ही जगह खड़े रहे फुटवर्क बिल्कुल नहीं था और काफ़ी दूर अपने जिस्म से खेला जितनी देर से वो क्रीज पर मौजूद हैं इस तरह इसकी शॉट से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिव ज़रूर था लेकिन ख़तरनाक

उन्हीं में से एक था यह पचास मुकम्मल कर लिए उनकी बत्तीसवीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी बैटिंग की है आज जब। क्योंकि विकटे जो हैं उनके इर्द गिर्द गिरी हैं उनसे पहले भी बाद में भी लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले पांच चौके लगाए और एक छक्का भी सिर्फ अट्ठावन गेंदों में उन्होंने मुकम्मल की पुल इस बार क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया उसकी डेप्थ का और पर खेलकर चार रन आड़े हाथों लिया साद नसीब ने और लेंथ क्रिएट की उन्होंने इस दफा खेल दिया फाइन की जाने फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन वो सिर्फ देखते रह जाएंगे इस दफा इसको काफी फाइन खेला और जुल्फकार जान ने कंफर्म किया कि बाउंड्री जी हाँ जो अच्छी चीज इस स्ट्रोक में है के साथ नसीम ने इस चीज को मद्देनजर रखा कि बॉल हवा में ना जाए काफी दूर अपने जिस्म से खेले लेकिन चार रन हासिल किए थर्ड मैन की जाने बॉल फैंस पार कर गई और काफी देर लगी मुझे लगता है इस चौके के लिए इंतजार करना पड़ा खूबसूरत शॉट खेला बड़ा उम्दा फुटवर्क और लाजवाब प्लेसमेंट शानदार क्रिकेटिंग शॉट था साद नसीम का मैंकें, मैंकें, आएग, आएग, और आएग, ये आउट कहलाएगा एल पी डब्ल्यू आहिस्ा आहिस्ा ये बैट्समैन के करीब आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने हदफ बनाया हमजा अकबर के पैड्स को तो पहली विकेट हासिल की मोहम्मद वकास ने देखिए वही बात जो हम कर रहे थे आउटसाइड दर्म आहिस्ता 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 अंदर आया फिर एक ही बार उन्होंने इन एक्सपीरियंस्ड और डेब्यूटेंट अच्छा प्रॉमिस शो किया बॉलें बहुत खेली आ, बट आ, स्टिल थर्टी एट हैंडी रंस की अपनी टीम के लिए और लकी रहे इस दफा ये गेंद गली के ऊपर से होती हुई चार रन के लिए साद नसीम को ये ग्रशन बहुत नुकसान पहुंचा सकता है डाउन द ट्रैक इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से देखना ये कि बाउंड्री जी हाँ ये चार रन मिल गए कदमों का इस्तेमाल किया थोड़ा सा जारहाना अंदाज अपनाया बिलावल ने सॉफ्ट हैंड से खेला और इसके साथ ही ये शानदार सेंचुरी मुकम्मल कर ली साद नसीम ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की है अब आठवीं सेंचुरी है और ये दाद वसूल कर रहे हैं अपनी तमाम टीम मेट से पर एजाज चीमा आबेद अली अहमद शहजाद और बिलावल ने इसके साथ ही साद नसीम ने अपने करियर में अब आठ सेंचुरीज़ मुकम्मल कर ली हैं अब सजदा रेज हुए हैं अपने रब के हुजूर एक्सीलेंट बैटिंग कैप्टन उन्होंने फ्रंट से लीड किया और यकीनी तौर पर इस तमाम तस्तक हैं, लेकिन उन्हें नहीं रोक पाए सीधा हाथों में ये गलती कर गए इस डूबते सूरज के साथ अपनी विकेट गवा बैठे बिलावल रैश स्ट्रोक हल्का सा स्पिन इस दफा हुआ टॉप एज और इस दफा कोई गलती नहीं की कासिम अक्रम ने कािम अक्रम एक बेहतरीन फील्डर है इस तरह बिलावल आउट होने के बाद कदमों के साथ वापस जा रहे हैं थर्ड मैन सिंगल के साथ बहत्तर ओवर गए दो सौ चौवन सात खिलाड़ियों के नुकसान पे और अम्पायर ने कॉल ऑफ किया स्टम्प हुई यहां पर दूसरा दिन अख्ताम पजीर हुआ यह है लाहौर वाइट की कार्य बिंग बीइंग रन्स हाईलाइट आपको सात नसीम नजर आ रहे हैं 122 बॉल में 103 रन जो कि कहना चाहिए कि बेहतरीन इनिंग अंडर प्रेशर बिंग कैप्टन ऑन एन लीड की 38 रन बनाए यहां पर हमजा ने और अहमद शहजाद ने किए 44 रन्स बहत्तर ओवर खेले 254 रन सात खिलाड़ियों के नुकसान पे अली शफीक हुनाइन शाह और काशिफ भट्टी ने दो-दो विकेट हासिल कीं वकास स्ट्रगल करते हुए नजर आए 16 ओवर्स फेंके बासठ रन देकर एक विकेट हासिल की और हुसैन तलत सिर्फ चार ही ओवर्स उनसे करवाए फिर इस तरह दो सौ चौवन रन बना लिए लाहौर ब्लूज के अगेंस्ट लाहौर वाइट्स ने आज के दिन का खुलासा कुछ यूँ है कि लाहौर ब्लूज दो सौ अड़तालीस रन बना सकी थी और उसके जवाब में लाहौर वाइट्स ने छह रन की लीड हासिल की है साद नसीम की सेंचुरी की बदौलत दो पर सात खिलाड़ी आउट है